ऋषि लौट आया है हिंदुस्तान, इस बात से अनजान कि कोई है जिसे उसका इंतजार है। प्यार में एक साल, मर मिटने की खाई थी हमने कसम, पर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। करने पूरी अपनी कसम, लेगी वो फिर से जन्म। कोई है जिसे ऋषि रस्मों के बंधन में बांध कर छोड़ गए थे। ऋषि और तनु की अमर प्रेम कहानी, जो शुरू हुई बचपन से पर बीच में आ गई तकदीर की जुदाई। क्या पूरी हो पाएगी ऋषि और तनु की ये कहानी? खैर, मुलाकात होने ही वाली है। ऋषि अपनी फैमिली के साथ निकल पड़े हैं पिंड देखने, और पिंड के दर्शन करते करते लड़कियां भी ताड़ने का प्लान बना चुके हैं ये पंजाबी मुंडे। पूरी फैमिली ऑफ इंडिया है, और इंडिया आकर कुछ बहुत ही फनी कुछ इवेंट्स हुए हैं, वेरी फनी मोमेंट्स हैं, कुछ बहुत लाइट मोमेंट्स हैं, तो आई थिंक इवन द व्यूअर्स वो भी बहुत इन्जॉय करेंगे। और मैं, मेरा छोटा भाई जो है, उनके बीच में बहुत तूतू मैं चल रही है कि यार यू नो हम बहुत ही फनी कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही फन लविंग हैं, टिपिकल दो पंजाबी मुंडे हैं, तो बस वही है कि यार चलो लड़कियों चेकआउट करते हैं। जो किरदार है हमारा फ्लर्टी है बहुत, बट लवेबल कैरेक्टर्स, नो नेगेटिविटी, यू नो चिल्ड आउट है बहुत, फन लविंग फ्रेंडली हैं, तो हम बस जा रहे थे, कॉलेज में आए हैं तो हम लड़कियां चेकआउट करने जा रहे हैं। यहाँ ऋषि के मम्मी पापा अपने शरारती लाडलो की रग रग से वाकिफ है, इसीलिए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर तनु अपनी बहन के साथ नोक झोंक में बिजी है। खैर, अभी तो असली कहानी शुरू होने वाली है, सच्चे प्यार की कहानी। ये तो बस शुरुआत है, खट्टी चटनी जैसी, जो ऋषि के पापा अभी खा रहे हैं गोल गप्पों के साथ। लेकिन महाराणा प्रताप के महाराणा का मिजाज इस बार आशिकाना है। क्यों ऋषि, ये कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है कि महाराणा, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ही एक इंटेंस कैरेक्टर था, बहुत ही एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर था, तो डेफिनेटली उसकी प्रिपरेशन बहुत अलग थी, बहुत ही इंटेंस प्रिपरेशन थी। इसकी भी जो है प्रिपरेशन बहुत अलग है, क्योंकि ये आज का है, टुडेज यूथ, टुडेज बॉय, तो 23-24 साल का लड़का है, तो डेफिनेटली बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और फन लविंग है, फ्रेंडली है, पंजाबी मुंडा है। भाई, ये तो अभी आगाज है, आगे तो बहुत सारे इमोशंस दिखाने पड़ेंगे। कसम जो खानी अभी बाकी है, प्यार की कसम, साथ निभाने की कसम, और तनु को अपना बनाने की कसम। मेरे सपने इतने छोटे नहीं है, वो आसमानों को छूना चाहते हैं। तो फिर ठीक है, अब हम तुम्हें आसमान में ही मिलेंगे। आज तक ब्यूरो। करने पूरी अपनी कसम, लेगी वो फिर से जन्म।